9 जुलाई को अपनी ग्रीक पार्टनर एंड्रिया से शादी रचाई है। मनित की इस शादी की खबरें खूब सुर्खियों में बनी हुई थी, लेकिन अब तक ना तो इस शादी से मनित और उनकी वाइफ की कोई झलक सामने आई थी और ना ही मनित ने कुछ कहा था। हालांकि आपको याद हो तो क्रेजी फॉर टीवी ने इस शादी में आए तमाम टीवी सेलिब्रिटीज की कई झलकियां आपको जरूर दिखाई थी, लेकिन अब मनित और उनकी वाइफ एंड्रिया की शादी की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ये जोड़ा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। जहां अपनी शादी में मनित ने व्हाइट शेरवानी पहनी थी, तो वहीं उनकी वाइफ लाइट पिंक कलर के इस खूबसूरत लहंगे में वाकई बेहद परी जैसी लग रही थी। वहीं अब अपनी शादी पर मनित ने कई खुलासे भी किए हैं। ई टाइम से बातचीत में मनित ने गुपचुप शादी के पीछे का कारण भी बताया है और इसी के साथ चार बातें बताई हैं जो आपको भी हैरान कर देंगी। पहली बात, पिता के कारण लिया एकदम फैसला। ई टाइम से बातचीत में मनित ने बताया है कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी पीईटी स्कैन रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा कि उनके पिता की रिपोर्ट सही नहीं है, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने जल्द ही शादी को लेकर प्लान बनाया। मनित ने कहा कि वो पहले दिसंबर में शादी करने वाले थे, लेकिन फिर सभी ने उन्हें कहा कि ये सही समय है और फिर उन्होंने पहले शादी करने का फैसला ले लिया। मनित बताते हैं कि उन्होंने सब अकेले ही मैनेज किया। दूसरी बात, सभी गेस्ट से की थी तस्वीरें पोस्ट ना करने की अपील। मनित आगे बताते हैं कि उन्हें अपने इनविटेशन में सभी गेस्ट से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें, क्योंकि उनकी वाइफ बेहद प्राइवेट पर्सन है और वो अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। इस वजह से मनित और उनकी पत्नी की कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर अब तक सामने नहीं आई थी। तीसरी बात, उदयपुर में शादी करना था स्वर्ग जैसा। आपको बता दें कि मनित की शादी उदयपुर के हेरिटेज रिजॉर्ट में हुई थी। मनित इस जगह और अपनी शादी को लेकर बताते हैं कि कैसे उनकी शादी के दिन सारी तैयारियां हुई थी। मनित ने बताया कि वो हमेशा से चाहते थे कि इसी जगह पर उनकी शादी हो। मनित कहते हैं कि शादी के दिन बारिश हो रही थी, हालांकि शादी बिना किसी बाधा के आराम से हुई। रिजॉर्ट को फूलों से सजाया गया था। मैं 5 बजे मंडप में पहुँचने की प्लानिंग बना रहा था और 5:30 बजे तक मैं हर चीज को मैनेज कर रहा था। आखिरकार मैंने अपना फोन बंद कर दिया और कमरे से बाहर चला गया। मनित कहते हैं, जब मैंने एंड्रिया को देखा वो बहुत सुंदर लग रही थी, हम दोनों इमोशनल हो गए। जिस पल मैंने उसका हाथ पकड़ा और वेन्यू पर गए, ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने पूरी चीज को रोशन कर दिया हो। चौथी बात, कैसे मिले थे मनित एंड्रिया। मनित ने खुलासा किया कि वो और एंड्रिया 10 साल पहले मिले थे। आपको बता दें कि एंड्रिया एक डांस टीचर हैं और दोनों की पहली मुलाकात एक स्टूडेंट और टीचर के रूप में हुई थी। 2019 में बातचीत के दौरान दोनों ने अपनी फीलिंग्स के बारे में खुलकर बात की। मनित बताते हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, वो मुझे हर तरह से जानती थी। हालांकि ये देखते हुए कि एंड्रिया ग्रीस से थी, मनित को रिश्ते के बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट था। मनित कहते हैं कि वो एक अलग देश, अलग संस्कृति और जीवन के अलग क्षेत्र से आती हैं। मैंने उसे हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया, लेकिन एंड्रिया भी मनित से प्यार करती थी और इस तरह दोनों का प्यार शादी तक पहुंचा। वहीं मनित ने खुलासा किया है कि अब वो नवंबर या फिर दिसंबर में ग्रीक ट्रेडिशन के मुताबिक वेडिंग करने वाले हैं।